प्रदेश में एलनाबाद उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी के चलते आज एनएलओ नेत्री सुनैना चौटाला गोहाना पहुंची और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं सुनैना ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सूबे की हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कहती कुछ और करती कुछ और है। जिस राजा को जनता नकार चुकी है और उसे किसी गाँव में घुसने नहीं दिया जाता है तो उनको नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही सुनैना चौटाला का ये भी कहना था कि एलनाबाद का चुनाव जब भी होगा पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवाने का काम करेगा और नगर परिषद हो या नगर पालिका के चुनाव पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। देखिए 25 तारीख इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक ऐसी तारीख है जिस दिन उन महापुरुष ने जन्म लिया था आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, और वो हरियाणा के जनक माने जाते हैं। मुझे हरियाणा प्रदेश के एक एक नागरिक ने ये बोला है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे हम किसी भी पार्टी से हों, लेकिन हम चौधरी साहब की रैली में जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसे आदरणीय महान व्यक्ति की आज हरियाणा प्रदेश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह से एलनाबाद चुनाव होना है, उसको टाल बार बार सरकार टाल रही है, क्या लगता है? देखिए ये तो मंशा, आप तो पत्रकार हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता भी इस चीज़ को समझती है कि ये लोग डरते हैं। आज इनके अंदर इतना भय है कि यदि आज चुनाव करा दें तो अभय सिंह जी चौटाला या इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कोई भी कैंडिडेट वहाँ होगा, सामने वालों की जमानत जब्त होने वाली है। और भी प्रदेश में चुनाव होने, नगर पालिका है, नगर परिषद है, चाहे पंचायतों के चुनाव है, उसको लेकर क्या कहना? देखिए इंडियन नेशनल लोकदल अपने चुनाव चिन्ह के ऊपर ये चुनाव लड़ेगी और आप ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा हमारे सदस्य जीत हासिल करेंगे, क्योंकि आज जनता परेशान है। त्राहिमाम करें, ओम प्रकाश जी चौटाला के राज को लोग दोबारा से याद कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह पे ये डिसीजन हो चुका है कि जो नगर परिषद पालिका का चुनाव है, सरपंची के चुनाव का, सरपंची छोड़ के, सरपंची का भी बोल तो रहे थे कि देखो अभी डिसीजन लेना बाकी है, बाकी नगर परिषद के चुनाव तो डेफिनेटली जिला परिषद के, सॉरी सिंबल पे लड़ा जाएगा, सिंबल पे लड़ा जाएगा। मैडम चर्चाएं भी गर्म है, मुख्यमंत्री को जो है हटाया जा सकता है, उसको लेके आपको क्या कहना? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, ये झूठ का पुलिंदा है, ये कहते कुछ है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, तो इनके ऊपर विश्वास हम तो करते नहीं जी। बाकी नैतिकता के आधार पर मैं ये जरूर कहूँगी कि जिस राजा को प्रजा सिरे से नकार दे, ये आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं घुस सकते। हरियाणा प्रदेश के किसी गांव में इनकी एंट्री बैन है तो मैं कहती हूँ नैतिकता के आधार पर इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि एनएलओ नेत्री सुनैना चौटाला आज गोहाना के कथुरा ब्लॉक में गांव-गांव जाकर 25 तारीख को जींद में होने वाली INLD की सम्मान दिवस रैली में आने के लिए लोगों को निमंत्रण देने पहुंची थी। सुनैना ने कहा कि गांव के लोगों ने आश्वासन दिया है कि वो भारी संख्या में जींद रैली में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।